डियर स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन आज हम फंक्शंस इन सी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस क्यों बनाते हैं देखिए सबसे पहली बात सपोज वी हैव ए लार्ज प्रोग्राम हमारे पास में एक लार्ज प्रोग्राम है दिस लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इंटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शंस देखिए इनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा गया क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन अपने होम का कंस्ट्रक्शन कराते हैं उसमें तो छोटे छोटे ब्रिक्स को लगाते हैं तब जाके एक प्रॉपर वॉल तैयार होती है उसी तरीके से हम यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस मनाते हैं और उन फंक्शंस की हेल्प से हम एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विदाउट फंक्शन हम प्रोग्रामिंग सी में नहीं कर सकते हैं आपने देखा होगा कि सी के प्रोग्राम को बनाने के लिए कम से कम हमें एक फंक्शन की ज़रूरत होती है आपने देखा होगा कि जो हमारे पास में मेन फंक्शन है वो आपका कंट्रोल करता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को तो अगर आप सिंगल कोई फंक्शन बना रहे हैं किसी सी के प्रोग्राम में तो वहाँ पे मेन फंक्शन आपका होगा स्टूडेंट्स ये हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से ही आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कराते हो स्टूडेंट्स द फंक्शन कंटेन द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एंक्लोज बाय ब्रैकेट्स देखिए जो हमारे फंक्शंस होते हैं आप उन फंक्शंस को बनाते हो उन फंक्शंस के इनसाइड आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स को रखते हो जो कि ब्रैकेट्स के थ्रू एंक्लोज होती हैं करली ब्रेसेस के थ्रू एनक्लोज होती हैं स्टूडेंट्स फंक्शंस के बारे में हम और भी बहुत सारी बातें देखते हैं जिसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं पहली बात क्या ए फंक्शन इज़ ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फंक्शन क्या है आपका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दूसरा इट प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉडुलैरिटी फंक्शन जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज देता है वो है री और सेकेंड मॉडुलैरिटी देखिए मॉड्यूलरिटी का बेसिकली मतलब क्या है कि हम छोटे छोटे जो फंक्शंस बनाएंगे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है उस प्रोग्राम में आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ऐड सब्टन ये सारी बातें करनी हैं तो आप क्या करेंगे ऐड के लिए अलग एक फंक्शन बना देंगे सब्टशन के लिए अलग फंक्शन बना देंगे डिवाइड के लिए अलग फंक्शन बना देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आप ये छोटे छोटे फंक्शंस बनाएंगे इनको ही हम मॉड्यूल्स कहते हैं और आप मॉडुलैरिटी को अचीव करने के लिए हम फंक्शंस को सी प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं रीयूजेबिलिटी देखिए जैसा कि इस वर्ड के लिटरल मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है कि री करना आपने एक बार फंक्शन को क्रिएट किया अगर आ, आपको इस फंक्शंस की किसी और फाइल में ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं डेट इज़ नोन एज रीयूजिलिटी तो फंक्शंस हमारे लिए रीयूजिलिटी को प्रोवाइड करते हैं नाउ स्टूडेंट्स इट कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स कलेक्शन ऑफ फंक्शंस नोन एज प्रोग्राम देखिए किसी एक फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स कहने का मतलब क्या है कि आप उसको बार बार कॉल कर सकते हो दूसरा छोटे छोटे फंक्शंस के कलेक्शंस को ही हम क्या कह देते हैं प्रोग्राम्स कह देते हैं तो फंक्शन हमारा क्या है एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारे लिए यूजेबिलिटी देता है हमारे लिए मॉडुलरिटी प्रोवाइड करता है किसी फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं और छोटे छोटे फंक्शंस को जो कलेक्शन है वही हमारा क्या कहलाता है प्रोग्राम कहलाता है नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब हम एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन एवॉड री राइटिंग सेम लॉजिक और कोड अगेन एंड अगेन इन द प्रोग्राम देखिए अगर आपने किसी फंक्शन को एक बार क्रिएट किया सपोज़ आप एडिशन करना चाहते हैं तो आपने एक बार उसका लॉजिक लिखा आपने एक बार उसका कोड लिख लिया अब इसको बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्यों फंक्शन की हेल्प से हम उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेंगे प्रोग्राम में और यहाँ से हमारी रीयूजबिलिटी अचीव हो जाएगी तो फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी एक कोड को बार बार नहीं लिखना चाहते हैं फंक्शन की हेल्प से हम बार बार उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं तो हम बार बार उसको लिखने से बच जाते हैं जिससे कि हमारा कोड कॉम्पैक्ट हो जाता है छोटा हो जाता है नाउ स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं We can call C function any number of time. C के फंक्शन को हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में और कहीं से भी कॉल कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको मेन फंक्शन के इनसाइड ही आपको कॉल करना है आप चाहें तो एक ऐड नेम का फंक्शन बनाइए फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे एक ऐड नेम का फंक्शन बना दिया और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया एक सब्ट्रैक्ट नेम का फंक्शन बना दिया एड के इनसाइड से मैं सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल कर लूँगा तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ नाउ स्टूडेंट्स वी कैन ट्रेस ए लार्ज सी प्रोग्राम इजली वैन इट इज़ डिवाइडेड इन टू मल्टीपल फंक्शंस देखिए सी जो प्रोग्रामिंग है उसमें हम आपने देखा होगा अगर हमारे पास हम सारी की सारी थिंग को जो भी हमारा लॉजिक है मैंने आपसे कहा कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है मल्टीप्लिकेशन करना है डिवाइड करना है एडिशन करना है आपने सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन मेन फंक्शन के इनसाइड कर दिया अब सपोज कहीं पे कोई एरर आई तो आप उसको ढूंढने में काफ़ी समय लगेगा आपको दूसरा लॉजिक क्या है पूरा का पूरा लॉजिक मिक्स है अब हमने क्या किया इस पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मेन फंक्शन हमने अलग बनाया जो कि कॉल करेगा ऐड को मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट को और छोटे छोटे फंक्शंस ऐड है मल्टीप्लाई है सब्ट्रैक्ट है इनको आपने अलग अलग बनाया तो इससे क्या होगा कि हमने एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अब सपोज़ कहीं पर एडिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स जहाँ पर हमने दो नंबर को ऐड करने का लॉजिक लिखा है वहाँ पर आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है तो हम ईजिली सी के प्रोग्राम को यहां पर ट्रेस कर सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स रीयूजिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन रीयूजिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया एक बार कोड को लिखिए और उसको बार बार अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कीजिए तो रीयूजेबिलिटी जो है वो फंक्शंस का मेन एडवांटेज है नाउ स्टूडेंट्स अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें देखिए फंक्शन कॉलिंग इज़ ऑलवेज़ ए ओवर हैड इन ए सी प्रोग्राम आपने अगर कोई फंक्शन को लिखा है तो उसको कॉल करना पड़ेगा तो कॉलिंग से क्या होता है कि सपोज़ कंट्रोल बार बार मेन से उस फंक्शन पे जाएगा फंक्शन से फिर उस मेन पे आएगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए आउटपुट आने में नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फंक्शंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं पहला फंक्शन डिक्लेरेशन होता है दूसरा फंक्शन कॉल होता है और फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करेंगे ये सारी बातें अब हम देखते हैं नाउ स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला क्या है फंक्शन डिक्लेरेशन आप फंक्शन को कैसे क्रिएट करोगे ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन ए सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप सी का फंक्शन जो है वो आप हमेशा ग्लोबली डिक्लेयर करोगे इसका कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे लिखा मेन फंक्शन की जो आपने डेफिनेशन लिखी है इस मेन फंक्शन से एबव यहाँ पर आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा फंक्शन डिक्लरेशन हमें क्या बताता है फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को फंक्शन का नेम बताता है फंक्शन कितने पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है वो बताता है और तीसरा रिटर्न टाइप यानी फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देगा किस तरीके की वैल्यू यूज़र के पास में आएगी स्टूडेंट्स देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने यहाँ पे लिखा इंटीज़र एड यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटीज़र ए इंटीज़र बी और यहां पे मैंने एक लॉजिक क्रिएट कर दिया इंटीजर सी इक्वल टू ए प्लस बी देखिए सबसे पहले अगर मैं फंक्शन के नेम की बात करूं तो यहां पे जो फंक्शन का नेम है वो क्या है एड फंक्शन नेम एड फंक्शन पैरामीटर्स देखिए पैरामीटर्स आप कह सकते हैं फंक्शन कितनी वैल्यू को रिसीव कर रहा है अगर मैं यहां पे देखू तो यहाँ पे मेरे पास में एक इंटीज़र ए है एक इंटीज़र बी है यानी कि जो एड नेम का फंक्शन है वो यहाँ पर दो पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है रिटर्न टाइप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपने क्या लगाया है इंटीज़र लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है वो आपको इंटीज़र वैल्यू रिटर्न करके देगा आपको यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से यहाँ से इंटीज़र वैल्यू रिटर्न होगी स्टूडेंट फंक्शन डिक्लेरेशन में आप फंक्शन को रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन नेम क्या है उसकी आर्गूमेंट लिस्ट क्या है ये सारी बातें शो करते हैं नाउ, नेक्स्ट फंक्शन कॉल देखिए फंक्शन हमने डिक्लेयर किया अब फंक्शन को कॉल करना भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन क्या कर रहा है क्या लॉजिक आपने इंप्लीमेंट किया है वो प्रोग्राम के कंट्रोल के पास में नहीं जाएगा उसकी फंक्शनैलिटी अचीव नहीं होगी तो यहाँ पर फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी वेयर इन द प्रोग्राम प्रोग्राम में कहीं पर भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन देखिए जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन डिक्लेरेशन में आपने जो भी पैरामीटर्स दिए हैं जिस तरीके से आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है उस तरीके से ही आप उस फंक्शन को कॉल करोगे देखिए यहाँ पर मैंने एड नेम का फंक्शन बनाया था इसमें दो पैरामीटर्स हमने लिए थे एक हमारे पास में इंटीज़र ए था दूसरा हमारे पास में इंटीज़र बी था तो इट मीन्स जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो फंक्शन का नेम आएगा सिंपली आपको क्या करना है नेम लिखना है और जो आर्गूमेंट आपने दिए हैं इट मीन्स दो आर्गुमेंट दे रखे हैं किस तरीके के हैं इंटीजर टाइप के हैं तो आपको यहाँ पे इंटीजर ही शो करना पड़ेगा आपने यहाँ पे टू लिख दिया यहाँ पे आपने थ्री लिख दिया तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन ये कॉल हो जाएगा तो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल फंक्शन डिक्लेरेशन हमें यह बताता है कि फंक्शन का नेम क्या है उसका रिटर्न टाइप क्या है वो कितने आर्गुमेंट को रिसीव कर रहा है इसको कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा और जितने पैरामीटर्स फंक्शन ने रिसीव किए हैं वो यहां पर आपको शो करने होंगे नाउ स्टूडेंट्स अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है फंक्शन डेफिनेशन देखिए फंक्शन को आपने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को कॉलिंग करने का आपने तरीका सीख लिया लेकिन अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे क्या क्या चीज़ें आप उस फंक्शन के इनसाइड लिखेंगे देखिए इट कंटेन द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड फंक्शन के इनसाइड डेफिनेशन के इनसाइड वो स्टेटमेंट रखते हैं आप जिनको आपको रन कराना होता है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स वेन द फंक्शन इज कॉल्ड जैसे ही फंक्शन को कंपाइलर आपका कॉल करेगा कंट्रोल सीधा का सीधा उस फंक्शन की डेफिनेशन के पास में जाएगा और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है ओनली वन वैल्यू इज रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन फंक्शन की हेल्प से हम केवल एक वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं लेकिन और भी हमारे पास में वेज हैं फंक्शन मोर देन वन वैल्यू भी रिटर्न करता है यहाँ पर देखिए इससे पहले आपने फंक्शन बनाया था इंटीज़र एड उसमें लिख दिया आपने इंटीज़र ए और इंटीजर बी तो ये तो फंक्शन डिक्लेयर हो गया इसकी डेफिनेशन देनी है आपको तो आप क्या करेंगे एड इंटीजर इंटीजर ए इंटीजर बी और इसके इन साइड क्या लिख देंगे इंटीज़र सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ पर क्या करा देंगे आप इसको रिटर्न करा देंगे तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका डिफाइन हो गया यानी डेफिनेशन इन इनसाइड वो स्टेटमेंट आती हैं जिनका क्या एग्जीक्यूशन करना होता है तो मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको ये समझ में आया होगा धन्यवाद